वेलकम बैक। आ चुके हैं जनाब ब्रेक से वापस, और ब्रेक से वापस आके जब मैं आई हूँ वापस, तो आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो हमने सॉन्ग सुनवाया था आपकी मर्जी का, वो आप सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए होंगे कि वाह जी वाह, आज तो मौजा लग गई है। क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं, जो सिंगर्स आते हैं, तो उनके पास कोई इतना मवाद नहीं होता सराइकी गानों का। आज तो सराइकी देते सराइकी, सराइकी देते सराइकी सुना रहे असं तू, तो उस तो नाल नाल तानू असी सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि बंदे ने फैशन किंज करना है, वो फैशन करके किदा में लगता है। तो अली, हम बात कर रहे थे, अभी हमारी ब्यूटिशियन आई थी, तो हम उनसे यही बात कर रहे थे कि जो बंदे हैं ना, उनको बहुत कम कॉम्प्लेक्स है कि जी हमने सोना लगना है, हमने चिट्टा लगना है, हमने ब्यूटीफुल लगना है, बहुत कम है। लेकिन ये जो ड्रेसिंग का मसला आता है, ड्रेसिंग में मैंने कॉन्शियस बंदे देखे हैं काफी, कि वो बड़े कॉन्शियस होते हैं हमने क्या पहनना है और कितनी फिटिंग वाला कुर्ता पहनना है, हैं जी, फिटिंग का भी ध्यान रखते हैं। हम सोचते थे सिर्फ औरतें ध्यान रखती हैं फिटिंग का, लेकिन मर्द भी फिटिंग का ध्यान रखते हैं जी। इथों लक तो फिट होना चाहिए, जैसे अपर बस तक जो होता है वो मतलब थोड़ा टाइट होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, ये की वजह है। उसमें ये देखें, सबसे बड़ी बात पता क्या है, वक्त के साथ आपको पता चीजें चेंज होती है ठीक है। जैसे हम पिछली दफा बात कर रहे थे कि हर 10 साल बाद थोड़ा सा चेंज होता है, चीजें वही होती हैं, सिर्फ ऊपर नीचे कर देते थोड़ा, बिल्कुल इसी तरह होता है। अब एक थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि अब लड़के, ये नहीं कि खाली लाहौर या कराची के लड़कों की बात करूंगा या आदमियों की बात करूंगा, हमारे जितने भी ऑल ओवर पाकिस्तान के लोग हैं, अब मीडिया FB इतना ज़्यादा फैल चुका है, मीडिया इतना मतलब पावरफुल हो चुका है कि हर चीज़ दिखाता है। अब लड़के भी चाहते हैं कि यार हम भी हर वक्त हीरो ही दिखें, खासकर बैचलर जो होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, अगर वो यूनिफॉर्म लेने गया है अपने कॉलेज का या स्कूल का, तो उसने देखना है कि अम्मी यहाँ से लूज है, थोड़ी सिलाई लगा दो। बात पता क्या, अब हर बंदा अवेयरनेस आ रही है, फैशन की तरफ भी इंटरेक्शन हो रहे हैं। अब लड़के, आप कह रही थी ना कुर्ते, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास 90% कुर्ते बहुत हैवी बनते हैं, काम वाले। अच्छा, जो मेहंदी पे तो एक तो समझ में आता है ना कि लड़के की चलो मेहंदी इसने पहना, हाँ। उसके जो भाई होते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं, हाँ। वो कहते हैं अगर 100% उसने, तो भाई कम से कम 50% के कुर्ते हमें भी बना के दो। सही बात कर रहे हैं अली, मैंने काफी लड़कियों को देखा कि अगर आप किसी शादी में चले जाओ, तो जब तक आप पर्सनली दुल्हन को जानते नहीं हो, दुल्हन पहचाननी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि दुल्हन से ज्यादा हैवी काम वाले जोड़े बिल्कुल, और एक दूसरे का आजकल एक थोड़ा सा हमारे ना यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत है, कॉम्पिटिशन शादियों में ना, एक बेशक वो मिडिल लेवल पे पाया था, मैं 1.5 लाख का जोड़ा पाना है, इन्हें 10,000 का पाया, मैं फलाने डिजाइनर का पाया था, मैं फलाने का पाया, कॉलर हमारे साथ, देखते हैं ये क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब कॉर्नर कहां से बात कर रहे हैं? उबैद बात कर रहा हूं, क्वेटा से। क्वेटा से बात कर रहे हैं, क्वेटा में ठंड बताए कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गई है? आपकी मेहरबानी है, आप लोग पसंद करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम। आप मुझे बताइए, फैशन के हवाले से कोई बात पूछना चाह रहे हैं? अली बैठे हुए हमारे साथ। हाँ माशाल्लाह, अच्छे मॉडल है अली साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। आप मसला तो आपका तो जवाब ही नहीं है मसला। मैं एक ऐसा सवाल हूँ जिसका कोई जवाब नहीं है। मुझे ये बताइए, आपको गाना गाना आता है? गाना मैं ज्यादा तो नहीं है, 2-3 लाइन बोलूंगा। 2-3 ही बोले, टाइम ही नहीं गाना बोता। 2-3 लाइनें सुनो। मेरा तो आवाज खूबसूरत नहीं है, मैं गा दूंगा। कोई बात नहीं, आप आपकी मोहब्बत है कि आप गाएंगे। दिल का क्या करें साहिब, हम उनसे प्यार करते हैं, बस मेरा पसंदीदा गाना यही है। मेरी चुटकी बिच रहेगी, उन्ना तो थोड़ा जहा और गा देना सी, कोई अद कपा। चलो ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच कि आपने कॉल किया, हमारे साथ रहेगा, प्रोग्राम देखते रहेगा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, बड़ी मोहब्बत होती है जनाब के, काफी सारे बड़े सिंगर्स भी मैंने देखे हैं, उनको कहो ना एकदम कि कुछ मेरा तो आज गला खराब है, बैठा हुआ, अक्सर बैठा हुआ गला, बैठा ही होता है गला उनका, कभी खड़ा नहीं होता गला, बहुत कम होता है। तो सबा, आपसे कभी किसी ने फरमाइश की है कि आप मतलब मॉडलिंग कर रही हो या ऐसा कुछ कहीं और गई हो? आपका तो शौक मॉडलिंग का है, आपका शोभा भी, तो कोई आपको गाने सुना दे, कोई गाना सुना दे, कोई ऐसे फरमाइश करता आपको? करते हैं, लेकिन मेरा जवाब होता है नहीं आता।
मोहब्बत होती है ना जनाब, अंदर कोई मोहब्बत नाम दी शी नहीं, मोहब्बत है ये ऐसी बात नहीं है। तो फिर मेरे लिए गाना ही कोई कलाम सुना दे। गाना जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब कौन और कहाँ से? हम जिंदुपुर से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद इसहाक साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मोहम्मद इसहाक साहब, हमारे साथ दो गेस्ट बैठे हुए हैं, एक जी मॉडल बैठी हुई है हमारे साथ और ये फैशन डिजाइनर बैठे हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, आप सलवार कमीज पहनते हैं या पैंट वगैरह पहनते हैं? क्या पहनते हैं आप? हम सलवार कमीज पहनते हैं। सलवार कमीज डिजाइन वाली पहनते हैं या सादी? बस दोनों ही पहनते हैं। अच्छा, डिजाइन कोई शादी शुदी पे आपको होता है कि जी इसके ऊपर कोई बटन बुटन लगा दें, कोई पाइपिंग पुपिंग लगा दें, कुछ ऐसा? जी वो तो ये। अच्छा, खैर नाल कितने बच्चे ने ताड़े? हमारे छह। ते छह दे छह ही बोलन लग पे ने? जी अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गल है, रौनक लाई हुई है तुसी। ते अपना ख्याल रखो, बच्चों का भी ख्याल रखो, ते कोशिश करो ताड़े बच्चे वड्डे होके जीना जूना पान, एवं दर्जी दे पैसे देने पैंदे ने, सलवारां कमीज़ां सवांदे रहंदे हो हर वेले, की करदे हो? चलो जी, थैंक यू वेरी मच कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो अच्छा अली ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं हमारे कल आजकल के, कोई 15 साल का, कोई 10 साल का, यंगर, हाँ, ये क्या करते हैं, कोई फैशन फूशन? बहुत करते हैं, मेरा ख्याल है फैशन करते ही हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे बच्चों का कोई फैशन शो वगैरह का ट्रेंड चला? बिल्कुल, मैं किटकैट के 2 फैशन शो कर चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें मतलब बच्चों के ये छोटे छोटे डिजाइनर थे। अच्छा, मींस उनके मतलब के जिनके समझ लें कि शॉप्स हैं, मतलब एक एक दो दो पाकिस्तान में ब्रांचेज हैं, तो उनके मतलब कपड़ों का कर चुका हूँ। अच्छा, उनका भी करवाया 2 साल पहले। अभी बच्चे बड़े खुश हुए होंगे? बच्चे फिर इकट्ठे करने बड़े मुश्किल है, उनको ट्रेंड करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े को समझाना आसान है, बच्चों को समझाना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं अभी भी समटाइम मेरे पास शूट आते हैं, मतलब मुख्तलिफ ब्रांड्स के मैं शूट भी साथ साथ करता हूँ। ये जी कॉलर आ गए हैं, तो फिर हम देखते हैं कि कौन से बच्चे आपके पास आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम जी। जी जनाब, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? ग्वादर से। कहाँ से? ग्वादर। ग्वादर से? ग्वादर। ग्वादर से। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मुर्तजा। मुर्तजा जी हाँ। मुर्तजा, ग्वादर में जमीन बहुत महंगी नहीं हो गई? जी। मैं क्या, आपने टीवी का वॉल्यूम, टीवी की आवाज बंद की है? नहीं नहीं, मैं आवाज सुनाऊ आपको अभी? टीवी की देखो, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज प्रॉपर आ नहीं रही है मुझे। जी। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा जी, ग्वादर से कॉल थी। तो मुझे ये बताइए, कौन से शहरों में अली ज्यादा फैशन ट्रेंड बढ़ रहा है, या पूरे पाकिस्तान में एक ही लहर चली हुई है? नहीं, ज्यादातर मैं जो मुझे मतलब मींस के लाहौर कराची से हट के, इस्लामाबाद से हट के जो है इस वक्त मंडी भाउद्दीन। अच्छा, बहुत मतलब के लोग कॉन्शियस हैं। अच्छा, और पहना, और मेरी काफी अच्छी क्लाइंटिश है वहाँ पे। वाह। उसके अलावा फिर डेरा इस्माइल खान, मुल्तान, मतलब फैल रहा है, फैल है। मींस के अब ये है कि लोग एक अच्छे काम को प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप में टैलेंट है, आप काम को एक मतलब के बड़ा डिजाइनर जो ज्यादा पैसे लेके मतलब वो काम करके दे रहा है, और एक छोटा डिजाइनर उससे अच्छा काम और अच्छे मटेरियल काम, उसकी बिल्कुल वैल्यू हो जाती है। बिल्कुल, और इस वजह से क्लाइंट मतलब अवेयरनेस भी आ रही है लोगों में। पहले एक टाइम था कि मीन लोग शेरवानी पहनने से गांव देहात में बड़ा कतराते थे। अब हर गांव में शेरवानी पहनती है। हमारे साथ देखते हैं ये शेरवानी पहनते हैं कि क्या पहनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब कौन और कहां से? अब्दुल मजीद, बस्ती दिलदारा से। ओहो, अब्दुल मजीद साहब कैसे हैं आप? ये आपके प्रोड्यूसर थक गए हैं, कहने लगे आपने पहले भी कॉल की थी। जी जी बिल्कुल जी, आपने कॉल की थी। आप सुनाइए कि क्या कर रहे हैं? वो आप वही हैं जो मरीज वगैरह चेक कर रहे थे? जी जी, मैं थोड़े मरीज चेक करता हूँ, फिर आपको प्रोग्राम देखने के लिए। ठीक हो गया, अच्छी बात है। प्रोग्राम के लिए मरीज ना वो मिस किया करें आप साथ साथ, मैंने तो पहले ही कहा था उनको भी बिठा के प्रोग्राम दिखा दिया करें। फैशन के हवाले से बात हो रही थी, मैं बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल, प्लीज करिए। मेरा ताल्लुक ना एक गरीब फैमिली से है। ठीक है। हेलो, और फैशन के हवाले से बात हो रही है, 10 लाख 20 हजार वाले सूटों पे आप अमीर लोगों, हेलो, हाँ जी बिल्कुल बोल, आवाज आ रही है? जी जी, अमीर लोगों के बच्चे
जब कीमती लिबास पहनकर बाहर निकलते हैं ना, तो हम गरीब लोगों के बच्चों पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। ठीक हो गया जनाब, अभी इस बारे में भी बात करते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करूंगा। अब मैं इन्हीं की बात से, इन्हीं की बात में बेसिक जवाब है, अगर इन्होंने गौर से अगर ये बात, इसी बात को सोचने तो क्या होता है कि बड़ा डिज़ाइनर जब 10,000-20,000 की चीज़ देता है, हम लोग जो होते हैं, मतलब कब जो नॉर्मल जो स्ट्रगलिंग टाइम में कह सकती हैं आप, जो लोग होते हैं, हमारे पास 1500 से लेकर 25,000 तक होता है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि 25,000 वाला क्यों महंगा होता है कि उसमें उसकी क्वालिटी और काम और उसके मटेरियल का फर्क होता है। ठीक है, उसी चीज का हम एक सेकंड और थर्ड वर्जन बनाते हैं जो 1500-2,000 में होता है, ताकि अगर किसी का दिल करता है बेचारा तो वो गरीब है कि वो भी वो चीज वो कहेगा अगर वो नहीं तो मैं वो तो पहन सकता हूँ जो मेरी सकत में है। बिल्कुल, तो हम इस चीज का ख्याल रखते हैं। पिछली दफा भी अली ने मुझे बताया था अब्दुल मजीद साहब के जो लोग अपना बजट पहले मुझे बताते हैं, बिल्कुल, फिर मैं वो पूछता हूँ कि वो क्या पहनना चाहते हैं और उनका बजट क्या है, फिर मैं उनके बजट के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट को तैयार करके देता हूँ। यही जो डिज़ाइनर हैं या अली शहजाद साहब, इनकी यही खूबी है जिसके लिए हमने इन्हें दोबारा मधु किया है, इसी वजह से, क्योंकि हर बंदा महंगी चीजें नहीं पहन सकता, ये बात हमें भी बहुत अच्छी तरह पता है, और इसीलिए हमने इनको बुलाया क्योंकि ये पहले क्लाइंट से पूछते हैं कि आपका बजट क्या है, फिर पूछते हैं कि आप पहनना क्या चाहते हैं, फिर वो जो पहनना चाहते हैं उसको उस बजट में तैयार करने की कोशिश करते हैं। उसमें ये होता है कि कपड़ा थोड़ा सा सस्ता आ जाता है, काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है, लेकिन डिजाइन एंड स्टाइल वही रहता है। बिल्कुल ठीक हो गया। और एक चीज और मैं बताता चलूं कि मैं इन लोगों की खिदमत के लिए पूरे पाकिस्तान में जाता हूं, मैं होम अपॉइंटमेंट करता हूं। वाह, अच्छा, होम अपॉइंटमेंट करते हैं पूरे पाकिस्तान में जाता हूं, पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, सियालकोट, कराची, मंडी भाउद्दीन, फैसलाबाद, मुल्तान, मींस के जितने भी पाकिस्तान के करीब करीब शहर हैं। ये नहीं कि अगर किसी का बजट कम है और मैं उसे जाता नहीं हूँ, मैं फिर भी जाता हूँ, उसके मतलब 5-10,000-20,000 का अगर मेरा अपना एक्सपेंस भी होता है, मैं करके जाता हूं। करके जाते हैं। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद से जी। आपका नाम? रवाब शाह जी। रवाब शाह, ये बताइए कि आप ये फैशन वगैरह जो हो रहा है, क्या आप इसके हक में हैं कि ये फैशन होना चाहिए या लोग सादे कपड़े पहने? हाँ जी, लोग सादे कपड़े पहने या फैशन करें? जी अभी टीशर्ट बनाने हैं, जितने जाने हैं जी, आने हैं जी, फैशन सुनिया करो जी। ये सानू जी एक सादी फरमाया कि दिल भी साथ रहे लोग। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब, जो तुसी प्रमोट सानू करी जांदे हो अपनियां डिशां दे नाल नाल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया और आप हमें प्रमोट कर रहे हो, लोगों कहते हैं इनका प्रोग्राम देखा करें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रवाब साहब आपका, और अपनी दुआ में याद रखिएगा, प्रोग्राम देखते रहिए जी जनाब जी। तो बात हो रही थी, ठीक हो गया, वो भी हो गया, बजट में आ जाता है। और वाकई में आजकल काफी ज्यादा जो महंगे ब्रांड्स हैं, कोई 70,000 का जोड़ा है, कोई 80,000 का जोड़ा है, कोई 40,000 का जोड़ा है, उनके रेप्लिका बने हुए आ रहे हैं जो आपको 4,000-5,000-6,000 में आराम से। मैं एक चीज और भी आपको बताता चलूं कि लाजमी नहीं कि आप किसी भी डिजाइनर का रेप्लिका बनाएं। हाँ। अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी एबिलिटी दी है, आपके अंदर टैलेंट है, हाँ। तो आप उसको देखिए, कोई भी डिजाइनर है वो किसी भी चीज से इंस्पिरेशन लेके बनाता है, ठीक है, वो आपके अपने अंदर होता है। नहीं नहीं अली, ये पता क्या, ये बात वही हो रही है कि जो उन्होंने कहा कि जब अमीर का बच्चा ये पहन के निकलता है, फिर वो जो स्टाइल और जो डिजाइन होता है ना, लोग वही पहनना चाहते हैं, हाँ, कहते हैं यार ऐसा पहनना है। बिल्कुल, 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 बच्चे जिद करते हैं। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम सलाम जनाब, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, गुजरात दूर तो नहीं हो गया पाकिस्तान, तो नक्शे जो निकल गया है जी, कॉल ड्रॉप हो गई जनाब, ते ओके हो गया, सो तो नहीं गई मैं क्या फैशन दे पीछे जो रक्षा टैक्सी लेके निकल पे हैं, ते ओनी देर च सभा ना सो जाए पीछे, वॉक वॉक कर दी ना आ गई होवे। तो सभा आजकल आप कहां की वॉक कर रही, ऊपर की नीचे की? मतलब थ्रू आउट आप पतला होना चाह रही हैं, कितना का पतला होना चाह रही हैं? आइडियल जो होता है फिगर वो बनाना चाह रही हूं। आइडियल फिगर बनाना चाह रही हूं। ओके, लक 28, लक 28 कुड़ी दा, 47 वेट कुड़ी दा, अभी आपका 67 है या कितना है? 65। अंदाजा चेक करो ना, सुनाना दा 2 किलो दा फर्क निकलिया मेरे अंदाजे से, नेड़े नेड़े ठीक हो गया, वेरी गुड।
ਤੇ ਇਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਔਰੋ ਕਹਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ 28 ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਅਲੀ ਇਹ ਆਪਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇਨਕਾ ਲੱਖ 28 ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਤਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛਾਂਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਸੁਣਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਖੇ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਡਲ ਉਠਾ ਲੇ ਤੋ ਵਹੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਿੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਓਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕੋ ਫਾਲੋ ਕੀਆ ਉਸਕੋ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਔਰ ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਵੈਸੇ ਗਰੂਮ ਕੀਆ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਈ ਲੜਕੀ ਕੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦੋ ਤੋ ਵੋ ਕਹਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਸੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗੀ ਆਪਕੋ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਾਣੇ ਦੇ ਆਪ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹ ਵੋ ਉਸਤਾਦ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਇਹ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਹਿਨ ਲੇ ਜਾਂ ਲਹਿੰਗਾ ਪਹਿਨ ਲੇ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਚੂੜੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣਾ ਕਹੇਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਣਾ ਲਹਿੰਗੇ ਨਾਲ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਚੂੜੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਏ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਇਹ ਨਈ ਲੜਕੀਓਂ ਕੋ ਸਭਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਨਈ ਹਮਾਰੀ ਮਾਡਲਸ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਕੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੜੋਂ ਕੋ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਔਰ ਉਨਕੋ ਫਾਲੋ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਤਾਦ ਉਸੀ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਸੀ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਛੁਪੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਾ ਅਦਬ ਬਾ ਮੁਰਾਦ ਤੇ ਬੇ ਅਦਬ ਬੇ ਮੁਰਾਦ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਸੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਤੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਇਵੈਂਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਮੀਨਸ ਕਪੜੇ ਬਣਾਤਾ ਹੂੰ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਾ ਇਵੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਮੁਝੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸਨੇ ਔਰ ਆਪਨੇ ਸਿੱਖਾ ਸਿੱਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬਤਾਉਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਬਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਬੇ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਆਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਕਾ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਚੱਲ ਦਵਾ ਹੋ ਤੂੰ ਐਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਹੈ ਨਿਵਣੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਹੈ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਝੇ ਤੂੰ ਇਧਰ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹੀ ਤੋ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਲੱਖ 28 ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਅਦਬ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਐਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ تو آپ مجھے بتائیے کہ کتنی آپ یہ کتنی با ادب ہیں جناب یہ اصل میں بیسک کوہلی تیار کے دن تے ادب جی نہیں میں تھوڑا سا بتاتا چلوں بیسک نا میری ایک پوری ٹیم پوری ٹیم ہے ایک پوری ٹیم ورک ہے ابھی یہ میرے تک آتے ہوئے سے ٹائم لگے گا مینس کہ ابھی نیچے اس کی جو ریسل چل رہی ہے اس کی باڈی کی اور اس کی ایکسرسائز وہ جو ہمارا جم ڈپارٹمنٹ ہے مینس مریم جو ہے بیوٹیشن جو ہے وہ ابھی ان کے ساتھ مطلب ان کی چل رہی ہے چھوٹی چھوٹی ٹپس ساتھ ساتھ میں بتاتا رہتا ہوں جب بھی مطلب ملاقات ہوتی ہے مطلب ابھی ان کی گرومنگ چل رہی ہے باقاعدہ یہ ابھی فیکٹری میں خامل تیار ہو رہا ہے بالکل اوکے ہو گیا اوکے ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو جناب بڑی اچھی بات ہے کہ علی شہزاد صاحب پوری مطلب سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے کامیابی پھیری ہے کامیابی پھیری ہے اچھی بات ہوتی ہے کبھی 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 ہوتا ہے تیار مال بھی ہم اٹھا لیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے جو لڑکی ایک میں چیز آپ کو بتا دوں سم ٹائم یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے نا ایک تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہو گیا ہوا ہے وہ کسی وقت میں وہ کنفیوژن پیدا ہونے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ویسا تھا بھی تھا بھی تھی اب جو فیلڈ میں جو لوگ آ رہے ہیں سب پڑھے لکھے ہیں پڑھے لکھے ٹھیک ہے اچھے گھروں کے ہیں مینس کے گھر سے بادب ہیں سمجھے ہوئے ہیں اچھے برے کی تمیز جانتے ہیں عورت کو عزت دینا جانتے ہیں اور عزت لینا جانتے ہیں عزت لینا مین کے وہ آگے رسپیکٹ جب دیتی ہے ٹھیک ہو گیا کالر جناب ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم جی ہلو تھی سو گئے ہلو ہلو اوکے تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا اب مطلب کہ چینج ہو رہا سب کچھ لوگ مطلب جو نئے جو آپ کہہ رہی تیار مال آتا ہے اس کو پھر یہ کہ ان کو بھی یہ چیز کا ہم مطلب تسلی دیتے ہیں کہ اگر جب تک آپ خود برا نہیں کرو گی برا ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں اگر آپ آنا چاہتے ہو تو ایز اوی سب اچھے لوگ ساتھ ساتھ ریسنٹ علی ابھی آپ کیا کرنے ابھی کیا کر رہے ہیں آج کل آپ کے کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں آج کل یہ ہمارا کوئی ایک ایونٹ آ رہا ہے جو ہمارا نہیں ہے لیکن ہم لوگوں کی پاکستانیوں کی یہ بڑی بری عادت ہے لیکن اچھی عادت بھی دیکھے نا زندہ رہنے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے اب کہتے ہیں جی یہ جو ہولی ہے یہ جو بسنت ہے یہ ہندوؤں کا تہوار ہے لیکن یہ جو تیل مہندی ہے یہ بھی تو ہم کرتے ہیں ہندوؤں کا تہوار ہے جب ہم کٹھے رہتے تھے ساتھ ساتھ رہتے تو کہتے ہیں خربوزے نو وے کے خربوزہ رنگ پڑتا ہے رنگ آ ہی جاتا ہے تو ایسی جناب ویلنٹائن کا بھی ایک تہوار آ رہا ہے اور علی منا رہے ہیں وہ
और अली जो हैं वो मनाने जा रहे हैं वैलेंटाइन को और सेलिब्रेट करेंगे जो सारा सिलसिला ये कर रहे हैं शो। तो अली आपका ये जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं ठीक है, साथ साथ सारा कुछ करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और आपने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दिया। इंशाल्लाह हमें फिर मौका मिला तो हम इनको फिर बुला के आपके कोई भी सवाल होंगे तो उनका जवाब हम देंगे। इसके अलावा सबा अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि आप कामयाबी की तरफ जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज को मौसर बनाएं कि लोग जो हैं ये मॉडलिंग के शोबे से उकताए नहीं, इसको खुशी से अडॉप्ट करना चाहेंगे, बहुत जरूरत है इस चीज की। बिल्कुल, ठीक है जी। तो जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे कोई दो लाइनों में तो काइंडली? पैगाम ये है कि कोशिश किया करें, आप लोग गांव शहर कहीं भी हैं, आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो अक्सर आपको पीछे से एम्बुलेंस की आवाज आ रही होती है। और मैं आज भी अभी जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रहा था तो ये मैंने हालात देखे, कोशिश किया करें कि थोड़ी सी जगह दे दिया करें, ताकि वो लाजमी नहीं कि वो आपका अपना है, आपका अपना है, वो हमारा पाकिस्तानी है। ओके जी, इसी पैगाम के साथ, इसी नेक दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए, नैना सुनाए को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक थर्सडे को फिर हाजिर होंगे 5 से 7। अल्लाह हाफिज़।